तो दोस्तों आरबीआई ने फिर से एक बारी इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिया है। 5.9% के आसपास पहले रेपो रेट चला करता था, जो कि अभी 0.35% से और बढ़ाकर 6.25% के आसपास हो चुका है। रेपो रेट का मतलब क्या होता है वो चीज़ वैसे मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन की है। शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि बेसिकली रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कोई भी सेंट्रल बैंक जो है वो जो बाकी बैंक्स हैं उनको पैसा उधार पे देता है। तो इसका मतलब जो ओवरऑल इकोनॉमी का इंटरेस्ट रेट है वो एक तरीके से हाई हो जाता है। अब इसका इंपैक्ट आपके जितने भी लोन्स चल रहे हैं उनकी ईएमआई पे पड़ने वाला है, चाहे वो होम लोन हो, कार लोन हो, जिस भी टाइप का लोन आपने लिया होगा उन सभी लोन्स में 2-4 दिन में वो इंपैक्ट आ जाएगा। लेकिन जो एफडी है उसमें थोड़े दिन बाद इसका इंपैक्ट आता है, 2-3 महीने भी लग सकते हैं, तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। अब जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं या घटते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा बैंक्स को होता है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो ईएमआई पे 1-2 दिन बाद ही उसका इंपैक्ट लेना शुरू कर देते हैं और इंटरेस्ट रेट हाइक वो कर देते हैं अपने लोन्स पे। लेकिन जो सेविंग अकाउंट्स हैं, एफडीज हैं, उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने में 4-6 महीने का गैप बैंक्स ले आते हैं, तो बैंक्स को बहुत ज़्यादा फायदा इस चीज़ का होता है। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर पे अच्छी खासी नजर रखने की जरूरत है। ओवरऑल अगर हम बात करें कि स्टॉक मार्केट पे इसका क्या असर आएगा, तो देखिए स्टॉक मार्केट में एक्सपेक्टेड ही था 0.35% तक का रेट हाइक होना और उसके अकॉर्डिंगली ही यहां पर इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है, तो कोई इमीडिएट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पे इसका नहीं आया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे अब जो इंडिया की इकॉनमी है, वर्ल्ड इकॉनमी है, वो हायर इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में जाती हुई नजर आ रही है, तो थोड़ा सा यहां पर जो चीजें हैं वहां पर उनकी जो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट है वो यहां पर दिखना शुरू हो रहा है। तो जो आपके लोन्स हैं वो चीजें महंगी हो रही है, तो धीरे धीरे हो सकता है इंडिया में भी जो ग्रोथ है उसको स्लो डाउन हो गई। और आरबीआई का भी यही कहना है, जो 7% की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान था उसको घटाकर 6.8% के आसपास कर दिया गया है। तो अगर आप ऑलरेडी आपने लोन लिया हुआ है तो थोड़ा आपकी जेब पे और इम्पैक्ट यहाँ पर आने वाला है, और अगर आप एफडी में पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं तो 1-2 महीने में और मुझे लगता है अभी इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे। अभी जो थोड़े छोटे बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, वहाँ पर 7.5-8% तक का आपको इंटरेस्ट रेट आराम से मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इस जो अपॉर्चुनिटी है इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। अब एक हाइक और अभी ड्यू है, जो उम्मीद है कि फरवरी में 0.25% तक का एक इंटरेस्ट रेट हाइक और किया जा सकता है 2023 में। उसके बाद उम्मीद यही है कि 2023 में जो रेट्स हैं वो फ्लैट रहेंगे, ना तो बढ़ाए जाएंगे ना घटाए जाएंगे, तो लगभग 6.4-6.5% के आसपास ये रेपो रेट चली जाएगी। तो हो सकता है कि और 2-3 महीने में आपको एफडी के रेट्स और बढ़ते हुए नजर आए, तो एफडी में अगर आप पैसा डालने के बारे में सोचते थे तो धीरे धीरे वो टाइम अब आपका नज़दीक आ रहा है जब आप एफडी में कुछ पैसा अपना लॉक इन करने के बारे में सोच सकते हैं, तो उस चीज़ का आपको यहाँ पर ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।